दोस्तों आपने स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों को गेंदबाजी और स्पेशलिस्ट गेंदबाजों को बल्लेबाजी करते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन जब एक फील्ड में स्पेशलिस्ट इंसान किसी दूसरी फील्ड में अनएक्सपेक्टेड परफॉर्म करता है तो वो मोमेंट देखते ही बनता है, खासकर जब ये मोमेंट आपके पसंदीदा खिलाड़ियों की ओर से आए हो। इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे ही 7 मोमेंट्स के बारे में जहां स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों ने न केवल गेंदबाजी की बल्कि अपनी गेंदबाजी के दौरान विकेट भी लिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की शानदार वीडियो को। नंबर 7, MS धोनी। दोस्तों हम सबके चहेते कैप्टन पुल माही को आपने फील्डिंग करते टाइम ज्यादातर समय विकेटों के पीछे ग्लव्स के साथ ही देखा होगा। ग्लव्स के साथ माही क्या कमाल करते हैं ये भी देखा होगा। विकेटों के पीछे से पलक झपकते ही माही कभी विकेटों से गिल्लियां बिखेर दे इसकी खबर बल्लेबाज को लगती ही नहीं। आलम ये था कि जब भी माही विकेट कीपिंग करते थे उस समय कोई भी बल्लेबाज अपनी क्रीज छोड़ने के बारे में सोचता तक नहीं था, लेकिन जहां आप इस वीडियो में दिखाए जा रहे मोमेंट को देखिए किस प्रकार माही एक मझे हुए गेंदबाज की तरह गेंदबाजी कर रहे हैं। ये मोमेंट 2009 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान खेले गए एक मैच का है। इस मैच में माही ने दिनेश कार्तिक को ग्लव्स थमाकर बॉलिंग करने के लिए सोचा। ये माही का जलवा ही था कि माही द्वारा डाली गई गेंद पर कैरिबियाई बल्लेबाज बोल्ड हो गई। माही का ये मोमेंट दर्शकों को काफी पसंद आया। माही के 41वें जन्मदिन पर ICC ने भी स्पेशल यही मोमेंट उनके लिए अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल से डाला। नंबर 6, बाबर आजम पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तानी टीम के कप्तान बाबर आजम भी उन चंद स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों में शुमार है जो अपनी बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी से भी दुनिया को हैरान परेशान कर चुके हैं। बल्ले के साथ तो बाबर ने अनगिनत शानदार पारियां खेली ही हैं, लेकिन दोस्तों जब 2021 में वो बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट मैच में गेंदबाजी के साथ उतरे तो हर कोई उन्हें देखकर चौंक गया। इस मैच के चौथे दिन उन्होंने बढ़िया गेंदबाजी की लेकिन विकेट लेने में वो सफल नहीं हो सके। लेकिन दोस्तों इस गेंदबाजी से मिले कॉन्फिडेंस की वजह से 5वें दिन भी खुद को गेंदबाजी करने के लिए रोक नहीं पाए। इस दिन उनकी किस्मत ने कुछ और ही लिख रखा था। इस स्पेल में उनकी एक शानदार गेंद पर बांग्लादेशी बल्लेबाज मेहंदी हसन बोल्ड हो गए। बाबर की इस तरह की गेंदबाजी को देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि दोस्तों किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि बाबर इस तरह की गेंदबाजी स्किल्स रखते हैं। नंबर 5, AB डिविलियर्स साउथ अफ्रीका। दोस्तों मिस्टर 360 डिग्री के नाम से मशहूर AB डिविलियर्स की बल्लेबाजी की स्किल से भला कौन परिचित नहीं होगा। अच्छी से अच्छी गेंद को भी बाहर फेंकने का दम रखते हैं। उन्होंने अपने करियर के दौरान बड़े बड़े गेंदबाजों की नाक में दम करके रखा। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि AB जितने अच्छे बल्लेबाज और विकेटकीपर थे उतने ही शानदार गेंदबाज भी थे। जी हाँ दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए एक मुकाबले में उन्होंने न केवल शानदार गेंदबाजी की बल्कि ट्रेंट बोल्ट जैसे कीवी बल्लेबाजों को आउट करके पवेलियन की ओर चलता भी कर दिया था। इस मैच में दोस्तों दर्शक AB के नए रूप में दिखाए गए मोमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। आप देख ही सकते हैं कि किस प्रकार AB एक मझे हुए गेंदबाज की तरह नजर आ रही है। नंबर 4, विराट कोहली इंडिया। दोस्तों टीम इंडिया के चेंज मास्टर और बल्लेबाजी के बादशाह किंग कोहली को भला कौन नहीं जानता। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी अपनी बेबाक बल्लेबाजी और बेहतरीन शॉट्स के लिए जाने जाने वाले किंग कोहली को गेंदबाजी करते हुए देखा है? अगर नहीं तो आप जरा इस वीडियो में दिखाई दे रहे मोमेंट को देखिए कि किस प्रकार से साल 2011 में इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए एक T20 मैच के दौरान किंग कोहली ने अपनी शानदार गेंदबाजी के बदौलत इंग्लिश बल्लेबाज केविन पीटरसन को छक्का दिया। जब किंग कोहली ने देखा कि पीटरसन आगे बढ़ने की फिराक में था तो उन्होंने तुरंत ही गेंद को वाइड डाल दिया। तो बस फिर क्या था, बाकी का काम विकेटों के पीछे मौजूद माही भाई ने कर दिया। उन्होंने बिजली की रफ्तार से तुरंत ही गिल्लियां बिखेर दी। ये विकेट दोस्तों विराट की T20 कैरियर के पहले विकेट के रूप में दर्ज हुई, हालांकि उसके बाद विराट 3 और विकेट भी ले चुके हैं। नंबर 3, एलेस्टर कुक इंग्लैंड। दोस्तों इंग्लिश टीम के पूर्व कप्तान और शानदार टेस्ट बल्लेबाजों में शुमार एलेस्टर कुक भी हमारी आज की लिस्ट का हिस्सा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दोस्तों वैसे तो कुक को बतौर ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में जाना जाता है, लेकिन दोस्तों भारत के खिलाफ में खेले गए टेस्ट मैच में जब वो गेंद के साथ उतरे तो उन्होंने अपनी गेंदबाजी से सभी को हैरान कर दिया था। उन्हें इस इंसिडेंट से पहले शायद ही किसी ने गेंद के साथ देखा होगा। आप इस वीडियो में दिखाए गए मोमेंट में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ईशांत शर्मा को डाली एक गेंद पर ईशांत ने बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर के दस्तानों में चली गई थी। अंपायर ने भी उन्हें आउट कर दिया। ये विकेट कुक के करियर का एकमात्र विकेट है जो उन्होंने लिया। नंबर 2, मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विस्फोटक बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को शायद ही आपने कभी इंटरनेशनल मैच में गेंदबाजी करते हुए देखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके टीम में इतने अच्छे गेंदबाज होते थे कि विपक्षी टीम को धराशायी करने के लिए काफी थे। लेकिन दोस्तों एक लोकल टूर्नामेंट में जब हेडन के हाथ में गेंद थमाई गई तो कुछ ऐसा हुआ जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। आप इस वीडियो में दिखाए जा रहे मोमेंट को क्लियरली
देख सकते हैं कि किस प्रकार से हेडन द्वारा डाली गई गेंद जिस पर बल्लेबाज गगनचुंबी छक्का जड़ने की फिराक में अपना विकेट गंवा बैठे। इस विकेट को लेने के बाद दोस्तों हेडन को हैरानी हुई और उनके साथ साथ दोस्तों मैदान पर मौजूद हर कोई हंसता हुआ दिखाई दिया। आलम तो यहाँ तक था कि इस विकेट को देखकर बल्लेबाज भी चक्कर खाकर मैदान पर ही गिर गया था। नंबर वन, डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज के दिलों में अपना खौफ भरने वाले डेविड वार्नर भी हमारी आज की लिस्ट में शुमार हैं। इन्हें भी बहुत कम गेंदबाजी करते हुए देखा जाता है, लेकिन जरा आप इस वीडियो में दिखाए गए इंसिडेंट को देखिए कि किस प्रकार से वेस्ट इंडीज के खिलाफ खेले जा रहे एक टेस्ट मैच में वार्नर ने कैरिबियाई बल्लेबाज को बोल्ड कर दिया था। ये कैच उन्होंने अपनी फुर्ती दिखाकर पकड़ा था। इस कैच को जब वार्नर ने लपका तो दोस्तों उनके साथ साथ हर कोई हंसता हुआ दिखाई दिया। सभी हैरान थे कि आखिर भैया ये बंदा क्या क्या कर सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आने वाले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।